हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक एरर के बारे में जो कि बहुत कॉमन सा एरर है और सारे एसीज में लगभग आते हैं और खास करके ग्री के एयर कंडीशनर में ये एरर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये एरर है H6। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं H6 एरर के बारे में जो कि सारे एयर कंडीशनर में, खास करके स्पेशली जो है ग्री के एयर कंडीशनर में ये बहुत ज्यादा आता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो H6 जो एरर है गाइस, ये क्यों आता है और इसके क्या प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्व आउट हम कैसे करेंगे। ये जो एरर है H6 वो किस चीज से रिलेटेड है, एयर कंडीशनर के किस पार्ट से रिलेटेड है और इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ये हम लोग गाइस देखेंगे। लेकिन इससे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके गाइस। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है या एबीपी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो आप अपना कीमती फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं गाइस। आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं कि H6 एरर जो है वो क्यों आता है और इसका सॉल्व आउट कैसे करते हैं। तो ये गाइस आपके सामने डायग्नोस्टिक कोड्स यानी एरर कोड्स और उसके सारे जो है इक्विपमेंट फॉल्ट्स है ना, कौन से एरर कोड की वजह से कौन सा फॉल्ट आता है, ये सारे इसमें जो लिस्ट है इसमें आपको सबसे नीचे जो है शो किया जा रहा है कि यहाँ पे जो H6 एरर है वो इंडोर के फैन मालफंक्शन से रिलेट करता है ना। ये यानी कि जो आपके इंडोर के जो स्क्रीन पर जो आपको H6 एरर जो शो हो रहा है गाइस, वो आपके इंडोर के ब्लोअर मोटर से रिलेटेड है। देखिए आपके जो स्क्रीन पर जो ये स्प्लिट AC जो टंगा है, यहाँ पे H6 एरर जो शो हो रहा है ये आपके इंडोर के ब्लोअर मोटर से रिलेटेड है। अब कौन कौन से रीजन की वजह से आपके स्प्लिट एसी पे जो है H6 का एरर जो शो होता है वो कौन कौन से रीजन हैं वो मैं आपको बताता चलूं। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है गाइस कि आपका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है उसका जैक है ना, जो जैक जो लगाते हैं PC बोर्ड में, वो जैक लूज हो गया हो तो आप उसको प्लायर लेकर के उसको टाइट कर दें है ना, टाइट करके दोबारा से अच्छे से फिक्स कर दें, तो ये आपका H6 का एरर जो है वो सॉल्व आउट हो सकता है, फिक्स हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है उसका जो स्पीड है वो स्लो हो चुका होगा। स्लो अगर हो जाता है आपके इंडोर के ब्लोअर मोटर का स्पीड अगर स्लो हो जाए तो भी ये एरर आते हैं। तो आप वो इंडोर का जो ब्लोअर मोटर है उसे आप चेक कर लें कि क्यों स्पीड कम है ना। अगर तीसरा रीजन ये हो सकता है गाइस कि आपका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है यानी ब्लोअर के ऊपर बहुत ज्यादा डटिनेस जम जाता है, ये ब्लोअर के ऊपर जो डटिनेस जम जाता है इसकी वजह से भी H6 एरर आता है गाइस। तो आप उसको क्या करें कि अगर आपके ब्लोअर मोटर ब्लोअर पे अगर डटिनेस जम गया है, आप देख जब आप खोलेंगे कवर तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि डटी है कि नहीं। अगर डटी है, वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा जम गया, कचड़ा जम गया है ब्लोअर के ऊपर, तो आप उसके कपड़ा लेकर के ब्रश लेकर के आप उसे साफ कर दें तो ये जो आपका H6 एरर है वो आपका सॉल्व आउट हो सकता है ना, हो जाएगा। अच्छा, एक रीजन और ये भी हो सकता है गाइस कि आपका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है ना, ब्लोअर में कुछ मोटर के शाफ्ट पे कुछ फंस जाता है कभी कभी है ना, कोई कचड़ा है या कोई कागज है या कोई धागा है, ये अगर फंस जाए तो इसकी वजह से भी जो है इस टाइप के एरर्स जो हैं वो आते हैं गाइस। तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि ये जो एरर्स जो आते हैं इसके 3 या 4 रीजन होते हैं। पहला ये कि आपका जो जैक है इंडोर के ब्लोअर मोटर का जो जैक है वो लूज हो गया हो। दूसरा ये कि आपका जो ब्लोअर है उसके ऊपर डटनेस जम गया हो। तीसरा ये कि शाफ्ट के ऊपर कुछ जो है वो धागा या कुछ कचड़ा इस तरह का कुछ जम गया हो जिसकी वजह से ये H6 एरर आता है गाइस। या फिर आपके जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है उसके स्पीड स्लो हो गया हो। ये 3-4 रीजन मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू।